Hello guys, welcome back. I am Sandeep Negi, Inventive Classes. So today we will discuss symmetric relations. Uski theory ko dekhte hain, kuch examples ko dekhte hain. I hope I will be able to clear your doubts. Best of luck. Hello guys, so now we are discussing symmetric relation. तो symmetric relation exactly होता क्या है कि अगर कोई दो element यानी कई एक pair अगर किसी relation में है, जैसे अगर कोई A और B किसी relation में है, तो B और A को भी उस relation में होना पड़ेगा. अगर A और B किसी relation में है तो B और A को भी इसी relation में होना ही पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा symmetric relation है. अब ये मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ा समझते हैं हम लोग. लेट्स से कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3. ठीक है, यहाँ से अभी आपने क्या किया है, लेट्स से कोई एक रिलेशन डिराइव हुआ है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2 का, एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक है 2, 1 का. तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया, हमें इंडिविजुअली हर एक पेयर के लिए चेक करना है. तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी पेयर. हर एक पेयर के लिए चेक होगा. ये ध्यान रखिए, नॉर्मली किन्हीं बुक्स में नहीं लिखा होता है, लेकिन जब आप कुछ टिपिकल्स एग्जांपल्स में फंस जाते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार ये हमें पता होना चाहिए था. तो हम 1 और 2 के लिए चेक करते हैं. देखिए 1 और 2 यानी ए और बी इस रिलेशन में है, तो क्या इसका ऑपोजिट बी और ए यानी 2 और 1 इस रिलेशन में है? डेफिनेटली वो है. ठीक है, आपने इसके लिए चेक कर लिया, इसका गेम ओवर. अब आप 2, 1 के लिए चेक करिए, क्या 2, 1 का ऑपोजिट 1 और 2 इस रिलेशन में है? जो कि है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों पेयर्स के लिए चेक किया, तो येस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई रिलेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 1, 2 है, लेट्स से 2, 1 है और यहाँ पे 3, 1 है. ठीक है, तो सबसे पहले आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, आपने इस पे एक लिए चेक किया, अगर यहाँ 1, 2 है तो 2, 1 को होना चाहिए जो कि यहाँ पे है. अगर यहाँ 2, 1 है तो किसी 1, 2 को होना चाहिए था जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये यहाँ पे 3, 1 तो है बट यहाँ पे 1 और 3 नहीं है. ठीक है, तो क्योंकि आपके इस रिलेशन में 1 और 3 नहीं है जो कि होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, क्योंकि ये नहीं है, तो इस वजह से ये वाला जो रिलेशन है वो नॉट सिमेट्रिक बन चुका है. चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही होंगी आपको कि सिमेट्रिक कौन होगा, नॉन सिमेट्रिक कौन होगा. ठीक है, तो भाई जहाँ पे एक दूसरे का ऑपोजिट आपको दिख जाए, वो भी सब के लिए, फॉर एवरी, हर एक जो बंदा यहाँ रिलेशन में बैठा है उसका ऑपोजिट होना चाहिए. तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से यहाँ पे 1, 1 है, यहाँ पे 2, 2 है, यहाँ पे 3, 3 है. ये एक आइडेंटिटी और ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये हमें पता है. तो अगर आप गौर से देखें, क्या 1, 1 का ऑपोजिट यहाँ है? पहली बात तो किसी भी रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी, मैं स्पेशली आइडेंटिटी की बात करूँगा, नॉट रिफ्लेक्सिव इन अदर वर्ड्स, चलो रिफ्लेक्सिव को हटा देते हैं, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन अगर कोई है तो हम उसके लिए कभी चेक नहीं करते, वो हमेशा बेटा सिमेट्रिक होता है. एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जब आप सेट बनाते थे 11th क्लास में, तो जब 2A होते थे किसी भी सेट में, तो आप उसको क्या करते थे, आप रिपीटेशन नहीं करके उसको सिंगल A और B लिख देते थे. तो सिमिलरली जैसे यहाँ 1, 1 है, अब ये 1, 1 जो यहाँ पे है ये एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हो सकता था यहाँ पे 1, 1 का एक और पेयर होता, तो लिखते तो हम एक ही बार हैं. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है. तो ये जो कभी आपको फ्यूचर में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कुछ भी अगर दिख जाए एक जैसी चीज़ें, तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही होंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सिमेट्रिक का आपने मोटा मोटा थ्योरी यहाँ पे देख लिया है, मोटा मोटा चीज़ यहाँ पे देख लिया. अब फाइनली हम आते हैं इस पे वापस.
तो सिमेट्रिक रिलेशन उस रिलेशन को बोला जाएगा अगर आपके रिलेशन में दो एक ऐसा पेयर है जहाँ पे दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो डेफिनेटली बी और ए को भी होना चाहिए उस रिलेशन में, ठीक है, जहाँ पे फॉर ऑल ए और बी, जहाँ पे सेट ए सी निकले, मतलब ये जो पेयर आपका निकल रहा है वो यहीं से निकले, ठीक है। तो ये आपने तीन एग्जांपल्स देखे थे, लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप इस लास्ट एग्जांपल को देखें तो ये कहीं ना कहीं ए और ए है, तो ए और ए अगर किसी रिलेशन में है तो इसके अकॉर्डिंगली ए और ए को ही उस रिलेशन में होना चाहिए, ऑपोजिट है ना, ठीक है उसका रेसिप्रोकल। तो नाउ यू कैन सी अगर वन वन यहाँ है तो वन वन तो है यार, तो इसको दो बार दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिमेट्रिक रिलेशन में, जैसे कि आपने देखा कि सिमेट्रिक रिलेशन, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ऐसे ही कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, यूनिवर्सल जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, जो भी अगर यूनिवर्सल रिलेशन भी जो होता है ना बेटा, वो भी हमेशा सिमेट्रिक ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी इन तीन एग्जांपल्स के साथ। एक एक आखिरी एग्जांपल अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो एक और देख लेते हैं, द लास्ट एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे वन वन है, यहाँ पे टू टू है, यहाँ पे लेट्स से थ्री थ्री है, यहाँ पे बाई चांस वन थ्री है, यहाँ पे थ्री वन है और यहाँ पे टू थ्री है, क्लियर है। देखिए वन वन टू टू थ्री थ्री, इनके लिए तो हमें चेक ही नहीं करना, ये हमें पता है ये तो सिमेट्रिक होते ही हैं, ठीक है। वन थ्री, वन थ्री का अपोजिट थ्री वन है, दिख रहा है, ओके। थ्री वन का अपोजिट वन थ्री है, दिख रहा है, ओके। लेकिन टू थ्री इसका यहाँ पे अपोजिट नहीं है, यानी थ्री टू यहाँ पे मिसिंग है, तो इस वजह से ये फंक्शन भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है, चलिए, थैंक्स बेटा।